नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। जन कल्याण किसान एसोसिएशन की मेहनत रंग लाई, होने लगा सड़कों का दुरुस्तीकरण। बाराबंकी में जर्जर सड़कों के खिलाफ जन कल्याण किसान एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन आखिरकार सफलता की कड़ी में आ ही गया। बता दें कि बाराबंकी जनपद की जहांगीराबाद भयारा रोड व ग्वारी शुगर मिल रोड सबसे जर्जर हो गई थी। इसके अलावा जनपद की बहुतायत सड़कें जर्जर हो गई थी। कई वर्षों से इन सड़कों का दुरुस्तीकरण नहीं कराया गया था, लोगों का चलना धूबर था। जन कल्याण किसान एसोसिएशन के चेयरमैन धर्म कुमार यादव ने इन सड़कों का नाम मौत मांगती सड़क रखा था। जर्जर सड़कों का दुरुस्तीकरण कराने के संबंध में 1 जुलाई 2020 को संगठन की मार्गदर्शक श्रीमती संतोष श्रीवास्तव की अगुवाई में जहांगीराबाद भयारा रोड व 22 जुलाई को पुनः ग्वारी शुगर मिल रोड पर पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बराबर जिलाध्यक्ष धर्मराज यादव और जिला महासचिव राज बहादुर यादव द्वारा जिले स्तर से लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक बराबर ज्ञापन प्रेषित करते हुए सड़कों के दुरुस्तीकरण की मांग की जाती रही। यहां तक कि चेयरमैन धर्म कुमार यादव द्वारा राज्य मंत्री कौशल किशोर जी को भी इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया था। अभी 17 दिसंबर को पुनः संगठन के जिला महासचिव राज बहादुर यादव द्वारा जिलाधिकारी महोदय अधिशासी अभियंता महोदय लोक निर्माण विभाग खंड 3 को ज्ञापन दिया गया। साथ ही प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन व सांसद महोदय बाराबंकी को डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसको संज्ञान में लेकर जहांगीराबाद भयारा रोड पर पैच लगाने का कार्य चालू हो गया है और ग्वारी शुगर मिल रोड का पुनः डामरीकरण करा दिया गया है, जिसके लिए संगठन के चेयरमैन कुमार यादव ने अधिशासी अभियंता सांसद महोदय जिलाधिकारी महोदय एवं प्रमुख सचिव महोदय सहित संगठन के सभी सम्मानित जनों को धन्यवाद देते हुए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। इसी क्रम में श्री बालाजी मेडिकल्स ग्वारी के डॉक्टरों उमेश चंद्रा ने ग्वारी शुगर मिल रोड का पुनः डामरीकरण हो जाने पर किसान एसोसिएशन के चेयरमैन धर्म कुमार यादव व संबंधित अधिकारियों को बधाई दी है। सिटी टीवी 24 न्यूज ब्यूरो रामू यादव की खास रिपोर्ट। जी हां, मैं उमेश चंद्रा। आज हमें बेहद खुशी हो रही है क्योंकि आज ग्वारी टू शुगर मिल रोड का कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहां पे जेसीबी और रोड बनाने की मशीन रोलर वगैरह सब खड़े हुए हैं। जो आज ये रोड कंस्ट्रक्शन जो PWD और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बन गई है, जिसका कार्य संपूर्ण हो गया है, इसको देख करके मुझे बेहद खुशी हो रही है क्योंकि ये कई वर्षों से रोड बड़े ही जर्जर गड्ढों में तब्दील थी, जो आज पूरी हो गई, जिसके लिए हम जन कल्याण किसान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व समाज सेवी मिस्टर धर्म कुमार यादव जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, जिनके अथक प्रयास से कई बार इन्होंने ज्ञापन दिया और अधिकारियों से मिले, जिसकी वजह से ये रोड जल्द से जल्द बनी। इसी के साथ साथ मैं XCN महोदय, PWD विभाग और अन्य तमाम संबंधित अधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं धर्म कुमार यादव, चेयरमैन जन कल्याण किसान एसोसिएशन। आज बाराबंकी जनपद की ये सबसे जर्जर सड़क जहांगीराबाद भयारा रोड पर खड़ा हूं, इस आशय से कि ये सड़क जो है कई वर्षों से अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी, अपने संगठन जन कल्याण किसान एसोसिएशन द्वारा पहला प्रदर्शन 1 जुलाई 2021 को यहां पर किया गया। 3-4 किलोमीटर संगठन के पदाधिकारियों ने पैदल चिलचिलाती धूप में पैदल चल करके आंदोलन किया, शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा गया। अभी हाल ही में हम 20 तारीख को सड़क जाम प्रदर्शन करना चाहते थे, गड्ढों में पौध रोपित करना चाहते थे। इससे पहले 17 तारीख को जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया और श्रीमान अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खंड 3 आदित्य कुमार जी को ज्ञापन देने के साथ उनसे व्यक्तिगत तौर पर 1 घंटे तक वार्ता की गई। उस वार्ता के दौरान आदित्य कुमार जी अधिशासी अभियंता ने आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम इस सड़क का पुनः डामरीकरण करा देंगे और सबसे जिले की सबसे बेहतर सड़क इसको बनाएंगे। 1 महीना नहीं, अभी शायद 5 दिन पूरे हुए हैं इसका, इस सड़क पर पैच लगाने का काम चालू हो गया है। मैं प्रमुख सचिव महोदय को, अपने सांसद महोदय को और जिलाधिकारी महोदय, साथ ही सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो जाता है आशासी अभियंता महोदय को, जिन्होंने
अपने आश्वासन से पहले इस सड़क पर कार्य चालू करा दिया। अपने संगठन के पदाधिकारियों के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के जो हमारे संगठन के साथ मिलकर के चिलचिलाती धूप में इस सड़क पर प्रदर्शन किए थे, पैदल चले थे, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय जवान जय किसान।